जय हिंद दोस्तों, आज अपने पास है भारत बेंच और भारत बेंच की ये व्हीकल है, आप आवाज सुन रहे होंगे इसमें, ये एक तो इसका ये देख रहे हैं प्रेशर लीक है, उसकी आवाज आ रही है, दूसरा इसका ओवर हीटिंग हुई है शायद, तो गैस्केट ऐसा लग रहा है कि गैस्केट का प्रॉब्लम है, तो गैस्केट चेंज होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किए हैं कि इसका रेडिएटर का जो पानी है सबसे पहले वो आप देख रहे होंगे, एक सेकेंड, ये यहाँ से ये हमने रेडिएटर का पानी निकाल दिया है और अब जो इसका टॉप हेड है ये अब खुलना शुरू होने जा रहा है। तो ये कपलर निकाल दिए हैं इंजेक्टर के और ये एक CRDI इंजन है, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन, तो ये फ्यूल इंजेक्टर्स वगैरह खोले जा रहे हैं, ये टर्बो चार्जर जो है उसे हटाया जा रहा है। दोस्तों इसका जो इंजन है ये पहली बार खुल रहा है, क्योंकि आप ये इसके बोल्ट्स को देख सकते हैं, उनकी कंडीशन देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम नहीं हटाई जब तक तेज नहीं बोले, बोला ये निकल जाएगा, वो तो नहीं निकलेगा, बोल के फिर इधर आएगा, नहीं घुट गया फिर इधर आएगा, उसके बाद में निकलेगा, माना क्या ये वाली प्लेट खोलना है। ये चौपुर मिस्त्री मानी तक कहाँ दे रहे हैं यार, ये खुला है, मैट्रिक्स जैसी फील आती है जब खुलता है, टेपेट कवर खुल गया है, इंजेक्टर खोलना है, एलंकी लगेगी, एलंकी क्या नंबर है, लेके आओ 6 की और 8। इसकी कॉमन रेल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस तरफ बोल्ट से बंद होता है, तो ये इसका टेपेट कवर खुल चुका है आप देखिए, और इसके अलावा यहाँ पर इस गाड़ी को ज़रा देखें, क्योंकि भारत बेंच पहली बार हमारे वर्कशॉप में आई है, तो काफ़ी रोबस्ट है इसका डिज़ाइन वगैरह जो जब मैं देख रहा हूँ इसको, अब कंप्रेसर जो है वो उस तरीके से है और चीज़ें देखते हैं और भी दिखाते हैं। हेड खुल चुका है और ये इसके बोल्ट्स पड़े हुए हैं और हेड आया है अपना, ये वाला है, ये इसको पलटना एक बार थोड़ा सा घुमाना, इसका जो हेड है ओके, तो गैसकेट चली गई है ना, हेड लीक हो गया, हेड लीक कहाँ से,
ये छेद है जी, एक जी एक जी। ओके 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 टिकली चली गई। चलो कौन सी टिकली, ये वाली? अच्छा गैस्केट तो गई गई, गैस्केट गई है, हेड फ्रेश होने के लिए अब जा रहा है। में पानी डाला जा रहा है, नीचे निकल रहे भाई। दादी ये ब्लॉक में पानी डालकर देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी लीकेज तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं ये निशान जो है ये पानी की वजह से हैं भाई। हाँ पानी की वजह से, पानी की वजह से ही आए हैं। तो अगर ब्लॉक में कोई लीकेज होगी या स्लीव्स के बीच द्वारा पिस्टन पर पानी पहुंच रहा है तो उसको चेक करने के लिए। कितना पानी डालना पड़ेगा, मतलब पूरा भरना ही पड़ेगा? आइडिया लग जाएगा है। तो ये प्रॉब्लम तो सिर्फ एक ही पहले वाली ही उसमें दिख रही है, एक नंबर सिलेंडर उसमें, सिलेंडर में। ये आप देख सकते हैं पानी ऊपर तक आ गया है। तो जिन लोगों ने ऐसा वो नहीं देखा है इंजन बनाने कि वाटर का जो मैनिफोल्ड जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, कहाँ कहाँ पर पानी फ्लो कर रहा होता है, क्योंकि बाकी जो छेद दिख रहे हैं वहाँ ऑयल फ्लो करता है, मोबिल ऑयल, बाकी जगहों पर पानी फ्लो करता है। तो ये देख रहे हैं अभी बस। ये हेड है इसका, सरफेस क्लीन करा है, लेकिन आप अगर देखेंगे जो इसमें मेन प्रॉब्लम आई है वो जो ये है, जो एक नंबर जहाँ पर अपनी सिलेंडर है वहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पर, ये एक मतलब छेद टाइप का हुआ है, और इसको इसमें कुछ भरा था, अभी तो नहीं भरा है कुछ। ठीक है, तो आप डिसाइड करते हैं कि इस पर क्या करना है, बाकी ये कंडीशन है। तो फ्यूल तो थोड़ा सा पार्शली बर्न हो रहा है, क्योंकि उसकी ये जो कंडीशन है ये बता रही है, और पानी वानी भी मिक्स हो रहा है तो वो भी पता चल रहा है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एम सील हम लोग लगा रहे हैं, और पहले हमने इसको पेट्रोल से साफ़ किया है और फिर एम सील लगाई है, क्योंकि पानी का जो स्रोत है या जो जहाँ से पानी आ रहा है वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, और हमने वो चेक करके भी देखा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको क्लीन करके एम सील लगा दिए, और एक बार इसको अब रन करवाएंगे। बाकी इसके इसका कोई और तरीका हो सकता था क्या? नहीं, है नहीं, हैं नहीं, कोई इसका और तरीका हेड का नहीं हो सकता था, या तो फिर हेड रिप्लेस ही होगा। तो इसलिए पहले, क्योंकि इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार कंफ्यूजन के लिए कर रहे। हाँ, एक बार पता चले कि अगर कुछ हुआ तो है। ठीक है, तो एक बार ये करके फिर देखा जाएगा कि क्या चीज़ है, रापी हो या छुरी उठा के चला है। इसको लेवल अप करेंगे थोड़ा, मतलब क्लीन इसका सरफेस। ये हम लोगों ने ये एक आपको दिखाते हैं एरल डाइट, और ये भी एरल डाइट है, और ये दोनों क्या है इसका मिक्सचर हम लोग बना रहे हैं। ये है पढ़ के आपको बताता हूँ, एरलाइट है, दोनों ही मिला के ये दोनों मिलाए जाते हैं, ये दोनों एक ही ब्रांड है, एरल
एरल्डाइट है और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, रफन ड्राई एंड डिग्री सरफेस टू बी बॉन्डेड स्क्वीज आउट इक्वल अमाउंट्स ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम बोथ ट्यूब्स, मतलब दोनों को पहले साफ करें सरफेस को, उसके बाद ड्राइव करें, इन दोनों को मिलाएं और फिर ये इस तरीके का मिलकर हो जाएगा। ये हम लगा रहे हैं इस गैस्केट में, क्योंकि ये जिना लगाओ क्योंकि ये गैस्केट याद भी करता नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, हमारे कसीम भाई बोल रहे हैं कि ये वीडियो में मत बताओ क्योंकि ये करता नहीं है। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि ये अवेलेबल नहीं थी। हाँ ये बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला हमारे भाई साहब ने, ये कहीं से जैसे जली हुई हाँ जी ना दिखे जी तो एरोलाइट लगा के लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल सही बताया छोटे भाई साहब ने कि ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी गैस्केट। और आप लोग भी अगर कहीं पर फंसे हुए हैं, कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अवेलेबल नहीं है और गाम चलाना है, तो ये इसका एक उपाय है, पूरी सर्विस मिलेगी, पूरी सर्विस इसकी मिलेगी। तो ये अब हो गया है और ये सरफेस भी, ये देखिए देखिए आप, ये इसको यहाँ पर भी भाई जुगाड़ किया जा रहा है। और एक ये वाला जो सरफेस है आप शायद देख पा रहे होंगे, ये हम लोगों ने एक कर दिया है। तो पहले हम देखेंगे इसको सेट करके, उसके बाद देखेंगे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि अभी तो पता नहीं चल पाया कि कहाँ से वाटर की लीकेज है। तो एक बार दोबारा से ये सिस्टम बना रहे हैं, फिर क्या रिस्पॉन्स देती है गाड़ी जब ये गाड़ी दूसरे चक्कर में आएगी हमारे पास, तब फिर देखेंगे अगर कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो। तो ये गैस्केट हम लोगों ने इसके ऊपर रख दी है और यहाँ पर ये वाटर इनलेट के लिए ये पाइप में भी एना बॉन्ड लगा कर इसको कर दिया है सेट। ये गैस्केट गैस्केट सेट करो, ये लगा सही था, इस तरफ लगेगी और पीछे, और पीछे पीछे गया है। तुम नीचे अपने डाउन करो हल्का, अरे और पीछे जाएगा कि अरे सब आ गया। ये गैस पैकिंग पैकिंग सेट लगाओ यार, या फिर कैची बनाया करो। कैसे कैची, जैसे एक जी का सा फिर एक वो कसो, फिर एक जी का सा फिर एक वो कसो, फिर बीच ही करो काम करता। हमने बोले वो चिटक दिया था, आज डलवाया भी एक्सीलेटर का जब ही डलवा दिया पांच कोई और पहला हो गया ठीक है हो गया। हां ये थोड़ी चीज आ जा रही है ना, अभी फिर तो यहां पर फिर तो ये इंजेक्टर्स लग चुके हैं, इसमें थोड़ा सा ये रॉकर्स वगैरह और गाड़ियों से थोड़े से अलग हैं, इसमें एग्जॉस्ट इंटेक ये भी दिया हुआ है और अंदर भी वॉल्व में भी दिया हुआ था ऐसा, जो कि ज़्यादातर में नहीं दिया होता है मैं देखता हूँ। तो ये चीज़
दाब दे दाब दे बैठ जा रुक जा अकेले बड़ा हटा कर दाब दी चाय परान जी ये क्या कर रहे हैं आप पंपिया चला रहे हैं पंपिया चला रहे हैं अच्छा तो दोस्तों देख रहे हैं इसमें जो ये डीजल के लिए चढ़ाने के लिए जो पंप है वो इधर की तरफ दिया हुआ है और ये चाबी हम लोग घुमाना चालू कर रहे हैं तो ये इंजन स्टार्ट हो गया है और अगर हम आवाज़ देखें इसकी तो आवाज़ भी ठीक है और ये पानी डाल रहे हैं रेडिएटर में हम लोग अब तो पहले ऐसा था कि पहले गाड़ी जो अपनी हो रही थी वो हीट अप ज़्यादा हो रही थी और अब तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है आवाज़ जैसे आप देख रहे हैं एक्सेलरेट करना आवाज़ बिल्कुल सही हो गई है और अगर हम इसका ये देखें कि धुआं वगैरह कैसा निकल रहा है तो बिल्कुल क्लियर अभी आप देखेंगे पहले थोड़ा सा धुआं भी काला कभी दे रही थी कभी ग्रे दे रही थी लेकिन अभी धुआं भी बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लियर है और एक्सेलरेट करने पर भी ठीक है तो अभी इसमें थोड़ी फाइनल इंस्पेक्शन चल रही है तो ये हमारी जो गाड़ी है फाइनली आज हमने पहली भारत बेंज कर दी